लगातार फैल रहे कोरोना संक्रमण मामलों से चिंतित राज्य सरकार द्वारा नए निर्देश जारी करने के बाद लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर सुजानपुर पुलिस ने सड़कों पर उतरकर फिर से मोर्चा संभाल लिया है। अब तक ढील पूर्ण रवैये को अपनाकर स्थानीय लोग जहां नियमों को अनदेखा कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि जिस तरह राज्य सरकार ने तमाम चीजें ओपन कर दी हैं उसके आधार पर ये संक्रमण पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन जैसे ही अब संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं राज्य सरकार ने चिंतन एवं चिंता करते हुए फिर से कड़े सख्त नियम एवं निर्देश जारी करके लोगों की सुरक्षा को सुरक्षित करने का मन बनाया है, जिसके चलते दो गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी के नारे को बुलंद करके लोगों को सुरक्षित एवं सतर्क रहने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में उपमंडल अधिकारी के साथ साथ सुजानपुर पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए शहर में लोगों को नियमों को मानने पर मजबूर कर दिया है। लोग अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ न करें, इसके मद्देनजर पूरे उपमंडल सुजानपुर के साथ साथ सुजानपुर शहर में कोई भी सज्जन बिना मास्क के घूमता हुआ नजर आया या बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखा तो उसे जुर्माना देना पड़ा। इसके साथ साथ जुर्माने राशि को लेकर भी लोगों को सतर्क किया गया और कहा गया कि मास्क पहने, उसके बाद घर से बाहर आएं, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। लगातार सुबह 9 बजे से पुलिस ने सर्च अभियान जारी रखा। लोगों को नई जुर्माना राशि के बारे में भी बताया गया। इससे पहले उपमंडल अधिकारी शिल्पी बेकटा, थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री, SI राकेश कुमार, SI मदन लाल के साथ साथ पुलिस कर्मियों ने सुजानपुर बाजार का दौरा किया और लोगों को जागरूक करके नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। रहे औरों को भी सुरक्षित रखें। एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग करें। जो कोई व्यक्ति मास्क की अवहेलना करता हुआ पाया गया, उसका चालान करके उसे मिनिमम 1,000 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा सभी व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि अपनी दुकान के अंदर ग्राहकों से 2 गज की दूरी बनाए रखें।